आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल क्या है कि 10% सॉल्यूशन है यूरिया का जो आइसोटोनिक है विद 6% सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्स। तो हमें सॉल्यूट एक्स का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। आइसोटोनिक का क्या मतलब है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है। अब 10% सॉल्यूशन है, 10% सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एक्स प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। सो लिखते हैं द मास ऑफ यूरिया, ये एम से मास है, मॉलिक्यूलर मास नहीं, नॉर्मल मास, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट एक्स है 6 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स हमें निकालना है। अब पाई ऑफ यूरिया इज इक्वल टू पाई ऑफ एक्स, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है क्योंकि आइसोटोनिक है। अब पाई का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में वी आर टी, एन अपॉन में वी आर टी, आर सेम और टी सेम तो ये कट गया, एंड दोनों की वॉल्यूम भी सेम है अंटिल अनलेस मेंशन हो कि वॉल्यूम डिफरेंट है, हम सेम ही मान के चलेंगे। अब ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया में क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इसमें गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स। सो इससे ये कट गया एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स आ गया हमारा 36 ग्राम पर मोल। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।